जाएंगे सतबा के रविदास। ऐसा चाहूं राज मैं जहां मिले सबन को अन्ना, छोट बड़ा सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न। रविदास वंश के कुल के लोगों आदि अपने मन में धरिए आस, और देवना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जब तक है आकाश में सूरज और गंगा में पानी, अमर रहेगी दुनिया में रविदास की अमर कहानी। अमर रहेगी दुनिया में रविदास की अमृत वाणी। रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जो हुए गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल की जो हुए गुण परवीन। कामतुरा का द्वारका का काशी हरिद्वार, रविदास खोजा दिल अपना तो मिलिया दिलदार। जो बोले सो निर्भय सदगुरु रविदास महाराज की, सदगुरु लूना मैया की जय। स्वामी सर्वदास महाराज की, ओम के सही संत रामानंद महाराज की जय। सर्व संत समाज की, सत्यानुसया धाम की जय। गुरुदेव बहुत ही आज का समय हम लोगों के लिए खुशी का है। सत्य अनुसया धाम सतीश महाराज जी, हमारे अतर सिंह जी, सुरेश कुमार जी दिल्ली से, रमेश जी और उनकी पूरी टीम, ये जो गुरु रविदास महाराज जी का 641वां जन्मदिन जो इन लोगों ने गुरु महाराज जी का जन्मदिन से पहला ही साजरा कर रहे हैं, उसका कारण यह है कि उन महापुरुषों को पता था कि हमें इन महापुरुषों का टाइम नहीं मिलेगा। मुझे खुशी होती है 108 संत सुरेंद्र दास बाबा जी महाराज और 108 संत सत्यपाल जी महाराज, बाबा जी महाराज जी ने हमारे कौम के ऊपर वो उपकार किए हैं कि हजारों साल से हम लोग किस सिस्टम के कारण इंसान होते हुए इंसान का सम्मान हमें नहीं मिला। धर्म के कारण हमारे इस देश के अंदर जो रविदास वंश के कुल के लोग हैं, धर्म के कारण हमें अपमानित होना पड़ा। हमारे संतों और महापुरुषों ने बलिदान देने के बाद
हमारे संतों ने उसका खोज किया कि इसकी मेन जड़ क्या है। इसकी जो मेन जड़ थी, जो हमारे लोगों के दिमाग में जो डाली गई है, वास्तव आपका उद्धार आप कर सकते हैं, लेकिन हमारे लोगों के दिमाग में ये विचार डाला है कि हर चीज भगवान आपका पूरा कर सकता है। इसीलिए इस व्यवस्था के कारण हमारे लोगों को गुलामी सहन करनी पड़ी। तो वो चीज थी धार्मिक, वो चीज थी आस्था, वो चीज थी धरोहर, और वो आस्था और भक्ति मार्ग एक आपका धर्म ही आपको दे सकता है। एक आपका धर्म आपको एक अच्छे संस्कार, अच्छे विचार, अच्छा मार्ग, अच्छा रास्ता, एकता का बल और संदेश, ये धर्म की धरोहरी आपको दे सकती है। इसीलिए हमारे संतों और महापुरुषों ने ये जड़ कर समझने के बाद 2010 को जो हमारा रविदास धर्म घोषित किया गया, और धर्म को लगने वाला जो मटेरियल है, उस मटेरियल को खोज कर हमें तो दिशा और पहचान देने वाले जो काम किया है 108 सुरेंद्र दास बाबा जी महाराज आज आपको दर्शन दे रहे हैं। उन्होंने हमारा सभी धर्मों के अपने अपने ग्रंथ होते हैं, ऐसा हमारा रविदास अमृत वाणी उन्होंने हमें गुरु रविदास महाराज जी के वाणी से निकालकर उसका सतमार्ग जो वाणी में बताकर वो हमारे लिए जो हमारे अमृत वाणी ग्रंथ दिया, जो सब धर्मों को अपने अपने एक मेन प्रार्थना स्थल होते हैं। जैसे कि हमारे मुसलमान भाई लोगों के लिए मक्का मदीना है, जैसे कि हमारे सिख भाई के लिए गोल्डन टेंपल है, ऐसा रविदास लोगों के लिए श्री गोवर्धनपुर जहाँ सदगुरु रविदास महाराज जी का जन्म हुआ है, वह हमारे लिए धर्मस्थान है। सभी धर्मों की अपनी अपनी पहचान है, किसी का ओम है, किसी का फ्लैश है, किसी का भाई चांद है, तो हमारा हर का निशान है। तो ये सभी के जब हम एक दूसरे के सामने जाते हैं तो सबका जय घोष है। तो हमारा जय घोष जय गुरुदेव धन गुरुदेव है। तो मुझे बहुत ही यहाँ दो तीन बार आने को मौका मिला, जब सतीश दास महाराज जी के गुरु यहाँ थे तभी भी मुझे आने को यहाँ मौका मिला। वो महापुरुषों ने यह हमारे लिए धार्मिक दिशा का स्थल बनवाया है। वो हमारे से शरीर छोड़कर चले गए हैं, मुझे उस समय आने को मौका नहीं मिला, लेकिन मैं श्रद्धा के फूल उनके चरणों में अर्पण करता हूँ और उनके आत्मे को सुख और शांति मिले ऐसे सदगुरु रविदास महाराज और परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। मुझे ये बताना है संत और महापुरुषों के कारण हमें क्या मिल सकता है। सबसे ज्यादा हमारे लोगों को ज्ञान की जरूरत है। अगर हमारे लोगों को ज्ञान मिला तो हमारे लोगों में ज्ञान के कारण हमारे में
परिवर्तन हो सकता है और हमारा परिवर्तन ऐसा हो कि पूरे देश दुनिया में लोग अपने अपने आस्था से अपने अपने धर्मों से एक है। लेकिन रविदास लोग कन्याकुमारी से कश्मीर, गुजरात से आसाम तक लगभग 1108 उपजाति और 25 करोड़ लोग हम है। सबसे ज्यादा हमारी लोक संख्या है, सबसे ज्यादा इस देश की व्यवस्था में अगर गुलाम है तो हम ही लोग है। अगर आपके ऊपर अन्याय हुआ तो उसको समझने का काम आप करेंगे क्या पराया करेगा, आपको करना पड़ेगा। अगर आपका विकास आपको करना पड़ेगा, आपकी कोई भी बात, आपके घर की बात आपको ही करना पड़ेगा। पराया आदमी आकर आपके घर को साफ सुथरा नहीं करेगा, आपका घर आपको ही साफ सुथरा करना पड़ेगा। अगर आपको मानव बोलकर हम लोग इस संसार में आए हैं, मानव संसार का सब समान है, मानव की जाति मानव और इंसान है, रूप दो है, तो क्या वो आज तक हमें मानव सम्मान क्यों नहीं मिला? इसलिए हमारे संतों और महापुरुषों ने हमें बार बार समय के हिसाब से आकर समझाने का काम किया है। कभी गुरु रविदास महाराज आए, कभी बाबा साहब आए, कभी कंसीराम साहब आए, अन्य महापुरुषों ने जो आपको समझाने का काम किया है, किसी ने आपको धार्मिक दिशा में समझाने का काम किया, किसी ने आपकी व्यवस्था देखकर इस देश की सिस्टम से आपको कैसा लाभ मिल सकता है, किसी ने राजनीति व्यवस्था में समझाने का काम किया है। क्यों नहीं हम लोग आज तक इस व्यवस्था को समझ पा रहे हैं? तो ये काम केवल हमारा ही है क्या? हमें पता चला तो हमें समझ लेना है? ये काम देश के अंदर हर हमारे रविदास हर एक एक घटक का एक टीका है। हम लोगों ने इस व्यवस्था को आज समझने की जरूरत है। मुझे खुशी होती है कि आज इस देश में अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन पूरे देश के अंदर कन्याकुमारी से कश्मीर और गुजरात से आसाम तक बहुत तेजी से समाज में बदलाव आ रहा है। कौन सा हम गुनाह कर रहे हैं? हमारे माँ बाप की सेवा करना क्या हमारा धर्म नहीं है? है या नहीं है? है ना? हमारे विष्ट देवत, कुल देवत, जगतगुरु, सदगुरु रविदास महाराज जी की जो वाणी का लाभ लेना और धारण करना क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं है? है ना? अगर हम लोग सही मायने में जो उन्होंने उपदेश दिया है, जो उनका संदेश है, उसको ठीक तरह से समझ कर हम लोग उसको धारण करना चाहिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हम रविदास है मानते हैं आप? जरा जोर से, रविदास है। आज से हम रविदास जी के विचारधारा को मानेंगे और वो विचारधारा हमारे लिए धरोहर है, वही रविदास धर्म हमारा है। आज से आप ऐसी शपथ लेंगे? लेंगे सब लोग? हम रविदास है, हम सदगुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा धारण करते हैं और वो विचारधारा यही रविदास धर्म है। अगर धर्मों के बारे में आपको समझना है, भक्ति के बारे में आपको समझना है, आपको भक्ति के लिए कहीं तीर्थ स्थानों में खोजने की जरूरत नहीं है, आपके सदगुरु का उपदेश समझ कर लेने यही आपकी जरूरत है। अगर तीर्थ स्थानों में भगवान होते तो सदगुरु रविदास महाराज ये दोहा कभी नहीं बोलते, का मथुरा, का द्वारका, का काशी, का हरिद्वार,
रविदास खोज दिल अपना तो मिलिया दिलदार। अगर तीर्थ स्थानों में भगवान मिलता तो गुरु रविदास जी ये दोहा कभी नहीं बोलते। गुरु रविदास जी बोलते, रोज उठो और गंगा में जाके डुबकी मारो और वहां से भगवान प्राप्त तो होगा। लेकिन सदगुरु रविदास महाराज जी ने मन चंगा तो कटोटी में गंगा, ये बहुत बड़ा मंत्र है। क्या हम लोग उस मंत्र को कभी समझे, कभी उसको गहराई से समझने का काम किया, कभी नहीं किया। क्या वो मंत्र है? अगर हरिद्वार के अंदर सचमुच पानी की नारी बनती और कंगन मिलता तो गुरु रविदास जी इतने नादान नहीं थे कि ये दोहा बोले। ये दोहे का उपदेश आता है कि सदगुरु रविदास महाराज आपको समझा रहे हैं कि आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं, आपके अंदर ही खोजो। मन चंगा तो कटोटी में गंगा, वो भी आपके मन के साथ रिश्ता जोड़ा है। अगर आपका मन अच्छा होगा तो आपका सब कुछ ठीक होगा। आपके गुरु ने मन के साथ ये दोहा बोला, लेकिन यह की व्यवस्था ने आगे सिस्टम को आगे जोड़ दिया। आगे एक गंगाराम बाट दिखा दिया, आगे एक दमड़ी दिखा दी, आगे एक कंगन निकाल दिया और आगे जाकर आपको उसी व्यवस्था का गुलाम बनाने का आगे का संदेश इस व्यवस्था ने दिया। आपके गुरु रविदास महाराज जी की वाणी को ठीक तरह से आपको समझना है। और रविदास धर्म आपको कोई अंधश्रद्धा, आपको कोई कर्म कांड ये करने का उपदेश बिल्कुल नहीं देता है। रविदास धर्म सही मायने में सदगुरु रविदास महाराज जी की वाणी का सर्च करना, लाभ लेना। गुरु रविदास जी कह रहे हैं, हुआ ज्ञान पड़ा प्रकाश। आपको ज्ञान की जरूरत है, अगर आपको ज्ञान प्राप्त होगा तभी आपका उद्धार होगा। सदगुरु रविदास महाराज जी, रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुण के, पूजिए है चरण चंडाल के जो होवे गुण पर भी। इसका अर्थ आपको समझ रहा है, गुणहीन का अर्थ, परवीन का अर्थ, अच्छा और बुरा। तो गुरु रविदास जी किसको विरोध कर रहे हैं, कौन सा समय था, क्या गुरु रविदास जी का संघर्ष था, क्यों गुरु रविदास महाराज को जन्म लेना पड़ा। इस संसार में हजारों साल से जितने संतों महापुरुषों ने जन्म लेकर हमारे लिए सत का मार्ग बताने का काम किया, सही रास्ता बताने का काम किया, इस व्यवस्था ने सदगुरु रविदास महाराज जी को ही विजय प्राप्त हुआ। जितने हमारे महापुरुष थे उनको ये नहीं मिला। एक तो एक तरफ से सामाजिक व्यवस्था और आपकी हित की व्यवस्था जिसमें है वो राज है। जब तक आपका राज भी नहीं हो सकता है तब तक आपका उद्धार भी नहीं हो सकता है। जब तक आपका धर्म भी मजबूत नहीं हो सकता है तब तक आपका उद्धार नहीं हो सकता है। तो सदगुरु रविदास महाराज और बाबा साहब ने ये काम करके इस व्यवस्था को दिखाया है। बाबा साहब और सदगुरु रविदास महाराज ये दो महापुरुष इस व्यवस्था को समझकर, उस व्यवस्था के बारे में आप लोगों को समझाकर वो काम करके चले गए हैं कि आज तक किसी भी संत से और किसी भी महापुरुष से उधार नहीं हुआ। आपको समझना चाहिए इस सिस्टम को, हमें कोई हक नहीं था, अधिकार नहीं था, हम लोग किसी मंदिर में जाने नहीं दिया जाता था। उसी व्यवस्था को सदगुरु रविदास जी ने आपको उस दोहे में समझाया कि ब्राह्मण व्यवस्था मत पूजिए। लेकिन आज हम लोग सही मायने में समझे, आज भी हम नहीं समझे। आज अगर हमारे गुरु ने बता दिया है कि ब्राह्मण व्यवस्था हमें नहीं पूजनी चाहिए, क्यों हमें पूजनी चाहिए है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हमें ब्राह्मण व्यवस्था पूजनी चाहिए नहीं? लेकिन मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ। देखिए,
कुछ समय उनका था और समय के हिसाब से सिस्टम को चलना पड़ता है। एक समय उन लोगों का था और वो पावर और ताकत और कानून और कायदा उनका था और जैसा उनको चाहिए वैसा उन्होंने उनके ग्रंथों में लिखा था। लेकिन आज समय हमारा है, आज हम लोग उस समय पढ़ लिखे नहीं थे, पढ़ने का अधिकार नहीं था, कहीं कुछ भी हमें सम्मान नहीं था। आज आपके महापुरुषों ने आपको अधिकार प्राप्त करके दिया है। आज आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, सही गलत का सर्च कर सकते हैं। गलत है तो आपको धारण नहीं करना चाहिए, सही है तो आपको स्वीकारना चाहिए। तो ये काम सदगुरु रविदास महाराज और बाबा साहब ने दिया। हजारों साल की जो सिस्टम थी वो व्यवस्था उनकी थी, आज वो व्यवस्था नहीं है। आज जो है हमें किसी के धर्म को बुरा नहीं बोलना है, किसी की देवी देवताओं की टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। आपको गहराई से चिंतन करना है और जो काम आप लोग कर रहे हो, मैंने इस एरिया में देखा कि आपने अगर आपके धर्म के धरोहर को धारण करना है तो इस देश के कानून में वो ताकत नहीं कि आपके कुल देवत को मानने के लिए आपको रोके, आपके ऊपर अन्याय करे, आपको सिस्टम गलत कर रहे हैं। इसलिए हमारे समाज को ये दुख उठाना पड़ रहा है और भोगना पड़ रहा है। मैंने यहाँ से देखा कि क्या जरूरत है, आप 1400 साल पहले मस्जिद नहीं थी, पुराण नहीं था, लेकिन जब उनके कुल में महापुरुष पैदा हुए मोहम्मद पैगंबर साहब, तब उन्होंने समझाया, तब से ये पुराण मस्जिद प्रार्थना सिस्टम धर्म चल पड़ा। 2000 साल पहले यूरोप में चर्च नहीं था, बाइबल नहीं था, ये कोई ऐसी प्रार्थना स्थल नहीं थे, क्योंकि यीशु मसीह पहले नहीं थे। जब वो पैदा हुए तब उन्होंने समझाया, तब उनके लोग उनके जीते जी तो नहीं स्वीकारते, जैसे कि आज हम समझा रहे हैं कि सभी ने पटाख से मान लिया, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि आस्था कहीं ना कहीं जुड़ी रहती है, समझने के बाद ही उसमें बदलाव हो सकता है। जीते जी यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया, लेकिन आज संसार में सबसे ज्यादा लोग उनके फॉलोअर है। वो विचारधारा कब निर्माण हुई, 2000 साल पहले हुई। जो बुद्ध विचारधारा, भगवान बुद्ध ही नहीं थे तो उससे पहला बुद्ध यार भी नहीं था, उससे पहला उनके कोई धारणा करने वाले सिस्टम भी नहीं थे। पहले वो पैदा हुए, ये व्यवस्था को समझा और गलत व्यवस्था को छोड़ने को बोला, अच्छी व्यवस्था धारण करने को बोला, तब से लोग उनके विचारों को मानने लगे। एक दक्षिण में रविदास वंश के कुल के संत हरियाणा थे 1100 शताब्दी में, वहां पर एक लिंगायत धर्म निकला, तो वहां लिंगायत धर्म पहला नहीं था। 325 साल पहले पंजाब में गुरुद्वारा नहीं था, ग्रंथ साहब नहीं था, वहां वो धर्म की सिस्टम नहीं थी। उनके गुरुओं ने समझाया तो उनके लोगों ने उसको धारण किया। ये आपको गहराई से चिंतन करना है। इस देश में मानव जात में सबसे ज्यादा कौन अपमानित है, हम लोग हैं क्या? हमें सूत्र दलित बोलना चाहिए, हमें इंसान होते हुए हमें कभी नहीं बोलना चाहिए, ना लीडरों ने बोलना चाहिए, ना राजनीति वाले लोगों ने बोलना चाहिए। इंसान को किसी को भी नीच नहीं बोला जाता है, हमको ही नीच क्यों बोला जाता है? तो इसके बारे में हमारे लोगों ने चिंतन करने की जरूरत है। शूद्र दलित अगर हमें बोलते हैं तो हमें वो स्वीकारना नहीं चाहिए। अगर सबके धर्मों के पहचान से मुसलमान बोला जाता है, सिख बोला जाता है, बौद्ध बोला जाता है, क्यों नहीं हमें रविदासिया बोला जाए? हमें रविदासिया बोलना चाहिए।
अगर हमारे लोग हमारी पहचान हमारी उपजातियां नष्ट करे और रविदासा पहचान से जिस दिन इस देश में हम एक होंगे उस दिन हमारा उदार होगा। गुरु रविदास जी का, बाबा साहब का और साहब कांशी राम जी का सपना पूरा होगा। क्या हम नाम तो लेते हैं लेकिन क्यों नहीं काम करते हैं? काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। उनकी विचारधारा माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? माननी चाहिए। अगर आप किसी मुसलमान भाई के घर में भी, किसी भी धर्म के फॉलोअर के घर में जाओ, उसके घर के अंदर क्या नजर आता है? आस्था के जगह पे, प्रार्थना के जगह के ऊपर, उसके धर्म के गुरुओं का, उसके बताए हुए जो ग्रंथ हो वो नजर आते हैं। क्यों? हम रविदास है, हमारे घर में गुरु रविदास जी की फोटो नहीं होनी चाहिए क्या? हमारे घर में गुरु रविदास अमृतवाणी होनी चाहिए क्या? नहीं। हमारे अगर रोज की मनोकामना प्राप्त अगर हम कर्म करने के लिए करते हैं तो हमारे माता पिता का दर्शन, हमारे पूर्वजों के महापुरुषों का दर्शन और सदगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में प्रार्थना कर कर कर्म करना चाहिए। कर्म बिना आपका उद्धार नहीं हो सकता है, कर्म ही आपका उद्धार कर सकता है, कर्म ही आपको फल दे सकता है। हम अगर कितने भी जिंदगियां मूर्तियों के सामने पूजा करते बैठेंगे और मूर्तियों को मांगेंगे ये हमें मिलना चाहिए, कभी नहीं मिलेगा। लेकिन मूर्ति के शरण क्यों जाना है कि जिस महापुरुषों ने अच्छा काम किया है, जो अच्छे उन्होंने उनकी जिंदगी पूरा संसार में हमारे लिए दिए है और उनके विचारों के कारण उस प्रार्थना स्थलों में और उनके मूर्ति के सामने प्रार्थना करनी है, उस विचारों को शरण जाना। शरण जाना यह हमारा धर्म है। अगर हमारे गुरु और महापुरुषों ने बताया धारण करना ये हमारा धर्म है तो रविदास धर्म पूरे देश में बहुत तेजी से जागरूक हो रहा है। अगर अगर इस देश में जाति में कोई जाति जागरूक हो रही है तो हमारे लोगों की रविदास जाति जागरूक हो रही है सबसे ज्यादा। ये कितनी खुशी की बात है, ये आज गुरु महाराज जी का जन्मदिन से पहला ही आप लोगों ने तोहफा दिया देश दुनिया के लोगों को। यहाँ की टीम जो सतीश दास महाराज जी और उनकी पूरी टीम और रविदास जी पूरे हमारे दिल्ली के या आपके या पश्चिमी यूपी के ये लोगों ने हमें तोहफा दिया है तो ये खुशी की बात है कि हम लोग यही आज के दिन ही खुशी नहीं बनानी चाहिए, ये कंटिन्यू ये खुशी हमें प्राप्त होनी चाहिए। और आप लोग जो है कि जो आपके गुरुओं का संदेश समझ लेना, महापुरुषों का संदेश समझ लेना, धर्म कोई भी धर्म बुरी चीज़ नहीं है। हर धर्म अगर हम बोलेंगे हम उसको मानते नहीं हैं तो उसको भी कोई ना कोई मानने वाला है, तो इसलिए किसी के धर्म को बुरा मत कहना। अपने अपने धर्म की बात, अपने अपने महापुरुषों की बात आप समझ कर धारण कर लेना, यही मेरा संदेश आप सभी लोगों को है। मुझे बहुत ही खुशी हुई आप सभी लोगों को मिलकर।